हाय दोस्तों, कैसे? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। सरदार पटेल कोचिंग सेंटर चैनल में बच्चे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 12 का कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं बच्चे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बच्चे इम्पॉर्टेंट है। हम उम्मीद करते होंगे कि हमारी बातों को आप लोग सुनते होंगे, वीडियो को देखते होंगे और समझते होंगे, और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर वीडियो को बच्चे शेयर करेंगे। आज हम कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशि और उसके मात्रक के बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे बच्चे। ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपको हम यहाँ पे बताना चाहेंगे, देखिए एक भौतिक राशि में देखिए बच्चे यहाँ पे बल है, देखिए बल, और देखिए इधर है भौतिक राशि और इधर बच्चे है आपका मात्रक। एक तरफ है भौतिक राशि और एक तरफ है बच्चे क्या, मात्रक। अब ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करेंगे। तो देखिए बल, बल का जो मात्रक होता है दो होता है, एक न्यूटन होता है और एक डाइन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है, आप लोगों को बच्चे पता होना चाहिए। और एक न्यूटन में 10^5 डाइन होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चे। तो देखिए बल का दो मात्रक हो जाएगा, न्यूटन और डाइन। नेक्स्ट है कार्य ऊर्जा उष्मा, देखिए कोई भी कार्य ऊर्जा उष्मा होगा उसका एसआई मात्रक होता है जूल और उसका सीजीएस मात्रक बच्चे अर्ग होता है। तो इसका दो मात्रक होगा, एक होगा जूल और एक होगा बच्चे अर्ग, एक होगा जूल और एक होगा बच्चे कौची अर्ग, एक जूल और एक बच्चे क्या होगा अर्ग होगा। नेक्स्ट बच्चे ध्यान दीजिएगा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है और सीजीएस मात्रक गॉस होता है। तो इसका दो मात्रक होंगे, एक होंगे टेस्ला और एक होंगे गॉस। और एक डाटा और याद रखिएगा, एक टेस्ला में 10^4 गॉस होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक बच्चे वेबर होता है, याद रखना है। एसआई मात्रक इसका वेबर होता है और सीजीएस मात्रक बच्चे मैक्सवेल होता है। और याद रखना है एक वेबर बराबर 10^8, एक वेबर बराबर 10^8 मैक्सवेल के बराबर होता है, एक वेबर बराबर 10^8 मैक्सवेल के बच्चे बराबर होता है, आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट है ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक बच्चे लुमेन होता है, आप लोग को ध्यान रखना है। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक बच्चे लुमेन होता है, आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बच्चे प्रदीप्ति घनत्व, प्रदीप्ति घनत्व का एसआई मात्रक बच्चे लक्स होता है, आप लोग को ध्यान रखना है। प्रदीप्ति घनत्व का एसआई मात्रक लक्स होता है। दाब, दाब का दो, एक एसआई मात्रक होता है और एक सीजीएस मात्रक। दाब का एसआई मात्रक अगर बात करते हैं तो पास्कल होता है और सीजीएस मात्रक होता है बच्चे बार। और याद रखना है एक बार बराबर 10^5 पास्कल होता है, एक बार बराबर 10^5 पास्कल होता है। नेक्स्ट है धारिता, धारिता का जो एसआई मात्रक होता है बच्चे वो फैराड होता है। देखिए एक होता है फैराड और एक होता है फैराडे, आवेश का बड़ा मात्रक फैराडे होता है और धारिता का एसआई मात्रक बच्चे फैराड होता है। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग समझ रहे होंगे बच्चे, वीडियो को बार बार देखिए 100% पता चलते रहेगा। आवेश का बड़ा मात्रक, आवेश का बड़ा मात्रक बच्चे फैराडे होता है, फैराड नहीं बच्चे फैराडे होता है, याद रखना है। अब देखिए ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडला होता है। आवेश, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब भी हो सकता है, सीजीएस में एब्सोल्यूट कूलम्ब और स्टैट कूलम्ब भी होता है, आप लोग को ध्यान रखना है। ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत की जो मोटाई होता है उसका एसआई मात्रक बच्चे डॉप्सन होता है, आप लोग को ध्यान देना है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, देखिए विद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है उसका फॉर्मूला होता है बच्चे पी बराबर क्यू इंटू टूएल, जिसमें क्यू आवेश है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब और टूएल एक प्रकार का दूरी है इसलिए मीटर, तो हम लोग कहेंगे कूलम्ब मीटर। और इसका सीजीएस मात्रक अगर हम बात करते हैं तो डेबाई होता है, ध्यान दीजिएगा कूलम्ब मीटर या डेबाई के बराबर होता है। ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक बच्चे डेसिबल में हम लोग मापते हैं, ध्यान रखना ध्वनि की तीव्रता आपका डेसिबल में होता है। श्यानता गुणांक है, श्यानता गुणांक आपका पॉइज में मापा जाता है। आवृत्ति को मापा जाता है बच्चे हर्ज में, और लेंस की क्षमता को मापा जाता है किसमें, डायोप्टर में मापा जाता है। उम्मीद करते हुए कि आप लोगों को पता चला होगा। नेक्स्ट प्रतिरोध, प्रतिबाधा, प्रतिघात का एसआई मात्रक बच्चे ओम होता है। चालकता ठीक प्रतिरोध के उल्टा होता है, तो जब ओम होता है तो इसको उलट दीजिए बच्चे, ऐसे कर दीजिए, तो ओम आप ऐसे लिखते होंगे ओ एच एम, तो जब पलट गया बच्चे तो ये हो जाएगा एम एच ओ, इसको मोह कहते हैं, मोह कहते हैं। ये ओम है इसको मोह कहते हैं, या इसी को बच्चे हम सीमेन भी कहते हैं, सीमेन भी कहते हैं। या इसका जब ओम को उलटिएगा तो बन जाएगा ओम इनवर्स। तो बहुत सारा इसका देखिए इसका मात्रक हो गया चालकता का, एक हो जाएगा देखिए ऐसे पलट दीजिए, ऐसे मोह हो जाएगा, सीमेन हो जाएगा या ओम इनवर्स हो जाएगा, आप लोग को ध्यान रखना है। विभव या विभवांतर, विभव या विभवांतर का ऐसे मात्रक बच्चे बोल्ट होता है, आप लोग को ध्यान देना है। रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक होता है हेनरी बेकवेरल, हेनरी बेकवेरल, हेनरी बेकवेरल,
हेनरी बेकवेरल होता है, आप लोग को ध्यान देना है। समुद्र की गहराई को हम लोग मापते हैं बच्चे फैदम में, समुद्र की गहराई को हम लोग फैदम में मापते हैं। प्रेरण गुणांक, प्रेरण गुणांक का एसआई मात्रक बच्चे होता है हेनरी, हेनरी होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रेरण गुणांक का जो एसआई मात्रक होता है बच्चे वो हेनरी होता है, आप लोग को ध्यान रखना है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसका एसआई मात्रक होता है बच्चे ओम मीटर, ओम मीटर होता है, आप लोग को ध्यान देना है बच्चे। यहाँ देखिए विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टा होता है विशिष्ट चालकता, तो जब ओम मीटर है तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ध्वनि की प्रबलता को मापते हैं बच्चे फोन में, फोन में मापते हैं, ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो फोन में मापा जाता है, आप लोग को ध्यान देना है। अब है चाल या वेग, चाल या वेग आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, इसका एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए कोणीय चाल है, तो कोणीय चाल में यहाँ जो मीटर प्रति सेकंड है या कोणीय वेग है तो इसको कहेंगे कोना के लिए रेडियन प्रति सेकंड, कोण के लिए रेडियन हो जाता है तो रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा। कोणीय त्वरण के लिए हो जाएगा बच्चे रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। समतल कोण का एसआई मात्रक हो जाएगा बच्चे रेडियन, समतल कोण का हो जाएगा रेडियन, ठोस कोण के हो जाएगा बच्चे अष्टेरेडियन, ध्यान दीजिएगा अष्टेरेडियन हो जाएगा, आप लोग को ध्यान रखना है अष्टेरेडियन होता है। देखिए यहाँ पे संवेग कहिए चाहे रेखीय संवेग कहिए, तो देखिए संवेग को हम लोग ठेठ भाषा में चोट कहते हैं। चोट कब लगता है, जब वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है उसी को हम संवेग कहते हैं, संवेग को पी से कहते हैं। कोई वस्तु में चोट, कोई वस्तु से चोट तब लगता है जब वस्तु का द्रव्यमान और वेग दोनों होता है, मैंने किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को बच्चे हम संवेग कहते हैं। संवेग को पी से सूचित करते हैं, पी बराबर एम वी होता है। तो अब यहाँ पे द्रव्यमान का ऐसा मतलब किलोग्राम और वी का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, वेग का मीटर प्रति सेकंड, तो आपका हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसलिए रेखीय संवेग का एसआई मात्रक हम लोग कह देंगे बच्चे किलोग्राम, ध्यान दीजिएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक बच्चे मोल हो जाएगा घनत्व। आप लोग को पता होना चाहिए कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, आयतन का होता है मीटर क्यूब, तो इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट है बल आघूर्ण, देखिए बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर, बल आघूर्ण बराबर फॉर्मूला याद रखना है, बल गुणे आघूर्ण भुजा, बल गुणे आघूर्ण भुजा, तो बल गुणे आघूर्ण भुजा, तो बल के लिए न्यूटन, आघूर्ण भुजा एक प्रकार का मीटर होगा, इसलिए इसका जो एसआई मात्रक होगा बच्चे वो न्यूटन मीटर होगा। नेक्स्ट आप लोग को ध्यान देना है बच्चे प्रतिबल, देखिए प्रतिबल का कैसे मात्रक निकालेंगे, तो देखिए प्रतिबल का मात्रक निकालने के लिए आप लोग को यहाँ पे ध्यान क्या देना है, प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल का न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर। अब है आपका पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, बल बटे लंबाई होता है, पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई होता है, ध्यान दीजिएगा। तो बल कहा जाएगा न्यूटन और लंबाई कहा जाएगा मीटर, तो हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। अब देखिए अब नेक्स्ट है बच्चे गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक, तो आपको पता होना चाहिए कि F बराबर होता है जी एम वन इंटू एम टू बटे आर स्क्वायर। देखिए यही जी गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक है, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, जी एम वन इंटू एम टू बराबर हो जाएगा एफ आर स्क्वायर, और यहाँ से जब हम यहाँ से जी का मान निकालेंगे, जब हम यहाँ से जी का मान निकालेंगे तो एफ आर स्क्वायर बटे एम वन इंटू एम टू हो जाएगा। एफ बल है, तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है, आर दूरी है, दूरी का मीटर स्क्वायर, और बटे एम वन किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो बाकी हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, आप लोग को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जी का जो मात्रक होगा बच्चे वो ध्यान रखना है, यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मात्रक है इसका मात्रक हो जाएगा बच्चे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति के जी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी का स्क्वायर हो जाएगा, आप लोग को बच्चे ध्यान रखना है। कूलम्बीय नियतांक आपको पता होना चाहिए, सेम इसी जैसा एक फॉर्मूला होता है, एफ बराबर के क्यू वन इंटू क्यू टू बटे आर स्क्वायर, जहाँ पे के आपका कूलम्बीय नियतांक होता है, जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बराबर एफ आर का स्क्वायर, यहाँ से के बराबर निकालिएगा तो एफ आर स्क्वायर बटे क्यू वन इंटू क्यू टू। तो अब बताइए एफ क्या है बच्चे, बल है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, आर दूरी है, दूरी का एसआई मात्रक मीटर, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, आवेश का होता है कूलम्ब, तो कूलम्ब गुणे कूलम्ब हो जाएगा। तो फाइनल आंसर अगर हम बात करते हैं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर जाएगा, जो कि यहाँ पे आपका जो कूलम्बीय नियतांक है, कूलम्बीय नियतांक का जो एसआई मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक है परावैद्युता,
नियतांक, देखिए प्रावैधता नियतांक जो होता है बच्चे ये के उल्टा होता है, तो के उल्टा कीजिएगा तो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे तो। अब है आवेश का रैखिक घनत्व, आवेश के रैखिक घनत्व को लैम्डा से सूचित करते हैं, लैम्डा बराबर क्यू बटे एल होता है। क्यू क्या है? आवेश, आवेश का ऐसा है मतलब कूलम लंबाई है मीटर हो जाएगा, तो हो जाएगा कूलम प्रति मीटर, जो कि यहाँ पे इसका जो आवेश का जो रैखिक घनत्व है बच्चे वो हो जाएगा कूलम प्रति मीटर, कूलम प्रति मीटर। आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व को सूचित करते हैं सिग्मा से, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है, इसमें क्यू बाई एल होता है तो इसमें क्यू बाई ए होता है, इसमें होगा कूलम प्रति क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा कूलम प्रति बच्चे मीटर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होगा, जो कि इसमें आप लोगों का इसमें लिखा जाएगा आवेश का पृष्ठ घनत्व कूलम प्रति मीटर का स्क्वायर। यहाँ पे आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व को सूचित करते हैं रो से, रो बराबर क्यू बटे भी, आवेश का ऐसे मात्रा कूलम और आयतन के होता है मीटर क्यू, तो हो जाएगा कूलम प्रति मीटर क्यू, जो कि यहाँ पे आवेश का जो आयतन घनत्व है, आवेश के आयतन घनत्व में कूलम प्रति मीटर क्यू के बराबर होगा। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र आप लोगों को पता होना चाहिए कि E बराबर होता है F बाय क्यू, F है बल, बल का ऐसे मात्रक न्यूटन, आवेश का कूलम, तो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। और एक चीज और याद रखिएगा, E बराबर होता है माइनस डीवी बाय डीएक्स, जिसे विभव प्रवणता कहते हैं, तो विभव एक प्रकार का विभव है वोल्ट हो जाएगा, और डीएक्स एक प्रकार का दूरी है मीटर हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। तो दो मात्रक हो गया बच्चे, एक हो गया न्यूटन प्रति कूलम, ध्यान दीजिएगा एक मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम और एक हो गया वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत फ्लक्स है, तो कहिएगा प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स को फाई ई से सूचित करते हैं, फाई बराबर ई डॉट ए। आप लोग को पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है, इसलिए ये कॉस थीटा होगा, ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। अभी आप लोगों ने देखा था कि विद्युत क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वो बच्चे न्यूटन प्रति क्या होता है, कूलम होता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ई के जगह पर न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा, ए क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई मात्रक नहीं होता है, तो फाइनल अगर हम बात करते हैं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा। एक मात्रक और हम इसमें निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा E के जगह पर एक मैंने बताया था कि माइनस डीवी बाई डी एक्स एक वोल्ट प्रति मीटर आया था, तो वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर से स्क्वायर कर जाएगा तो वोल्ट मीटर। तो दो मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम और एक वोल्ट मीटर हो गया बच्चे, ध्यान रखना है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ध्यान दीजिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम और एक हो जाएगा बच्चे वोल्ट मीटर। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक बच्चे एम्पियर होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है धारा घनत्व, धारा घनत्व को हम जे से सूचित करते हैं और जे बराबर होता है आई बटे, धारा घनत्व एक सदिश राशि होता है जिसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होता है। आई है विद्युत धारा, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व का जो ऐसा ही मात्रक होगा बच्चे वो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा। वीडियो को बार बार देखिए, चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, 100% नॉलेज आपका बढ़ेगा। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल कहने से तो लगता है कि बल है, लेकिन यह एक प्रकार का क्या होता है बच्चे, विभव या विभवांतर। अर्थात आप लोगों को पता होना चाहिए विद्युत वाहक बल E बराबर होता है W बटे Q, W किया गया कार्य, कार्य का ऐसा मतलब जूल, आवेश का कूलम, तो यह आपका होता है जूल प्रति कूलम, इसी को बच्चे हम कहते हैं वोल्ट। तो विद्युत वाहक बल को हम लोग जूल प्रति कूलम कहते हैं या इसी को बच्चे हम वोल्ट कहते हैं। विद्युत शक्ति एक है, विद्युत शक्ति को हम मापते हैं वाट में, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा कोई भी ऊर्जा हो उसका एसआई मात्रक जूल होता है और सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। व्यावसायिक मात्रक, देखिए विद्युत ऊर्जा का अगर हम व्यावसायिक मात्रक की बात करते हैं, जनरली विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक के साथ साथ में अगर होता है तो हो जाएगा किलो वाट घंटा, किलो वाट घंटा। देखिए ध्रुवीय तीव्रता, पहले आप लोग को ध्रुवीय तीव्रता समझना है। मान लीजिए कि कोई मैग्नेट है, मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ध्रुव की तीव्रता को पी से सूचित करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, ध्रुव की तीव्रता को आप लोग को पता होना चाहिए बच्चे कि जो इसका ध्रुव की तीव्रता, जैसे मान लीजिए ध्रुव की तीव्रता इसका पी है, यहाँ मान लीजिए कि P1 है और यहाँ पे क्या है P2 है, तो ध्रुव की तीव्रता P बराबर होता है इसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा और इसके लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात I इंटू L होता है, I विद्युत धारा एम्पियर और लंबाई मीटर, तो हो जाएगा बच्चे एम्पियर मीटर। इसलिए ध्रुव की तीव्रता का जो एसआई मात्रक होगा बच्चे वो एम्पियर मीटर के बराबर होगा, हम इसको एम्पियर मीटर कहेंगे।
नेक्स्ट बच्चे आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है, यह चुंबकशीलता नियतांक आप लोग को पता होना चाहिए कि F बराबर एक फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बटे 4 पाई गुने पी वन गुने पी टू बटे आर स्क्वायर, जो कि ये एक कुलम ने बताया था चुंबक से संबंधित, आपसे यहाँ पे म्यू नॉट का मात्रक पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ F कैप छोड़ दीजिए, इसको इधर लाइए तो भाग में है ऊपर जाएगा गुना में हो जाएगा 4 पाई गुने आर स्क्वायर बटे यहाँ पे पी वन इंटू पी टू, और यहाँ पे म्यू नॉट के उन्नट छोड़ दीजिए। F क्या बच्चे बल, बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है, 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता है इसलिए छोड़ दीजिए। R दूरी है मीटर स्क्वायर और P1 ध्रुव की तीव्रता है, ध्रुव की तीव्रता का ऐसे ही मात्रक एम्पियर मीटर होता है, इसलिए यहाँ पे P1 के जगह पर हम एम्पियर मीटर लिखेंगे बच्चे, तो एम्पियर मीटर इंटू एम्पियर मीटर होगा बराबर इधर ज्यों के त्यों लिख देंगे, अर्थात म्यू नॉट के म्यू नॉट ही रहेगा, 2 मीटर से 2 मीटर क्या होगा कट जाएगा, ऊपर बचेगा न्यूटन, ऊपर बचेगा न्यूटन और एम्पियर गुणे एम्पियर बराबर एम्पियर स्क्वायर, फाइनल आंसर आएगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ध्यान रखिएगा फाइनल आंसर हमारा है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो इसके जगह पर हम लोग लिख देंगे चुंबकशीलता नियतांक का ऐसे मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर का स्क्वायर होगा बच्चे। नेक्स्ट चुंबकीय विभव, देखिए विद्युत विभव जैसा चुंबकीय विभव होता है आपको पता होना चाहिए कि भी बराबर होता है डब्ल्यू बटे क्यू, जो कि विद्युत विभव है, लेकिन अगर चुंबकीय विभव की बात करते हैं तो यहाँ जो डब्ल्यू बटे क्यू है वो सब सिर्फ डब्ल्यू बटे पी के बराबर होगा, क्यों आवेश है यहाँ पे ध्रुव की तीव्रता जाएगा, तो जो W है वो जूल हो जाएगा और ध्रुव की तीव्रता यहाँ पे एम्पियर मीटर हो जाएगा, तो जूल प्रति एम्पियर मीटर के बराबर होगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं चुंबकीय विभव, तो चुंबकीय विभव जो होता है वो होता है जूल प्रति एम्पियर मीटर, जूल प्रति एम्पियर मीटर के बराबर होगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में P बराबर Q इंटू 12 होता है, तो उसमें कुछ नहीं Q के जगह पर P होगा और यहाँ पे 12 के 12 होगा, तो देखिए यहाँ पे ध्रुव की तीव्रता जो P होता है वो बच्चे एम्पियर मीटर होता है, 12 एक प्रकार का दूरी है ये भी मीटर होगा, एम्पियर मीटर गुने मीटर बराबर हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो एसआई मात्रक होगा बच्चे वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा। अब है आपेक्षिक घनत्व, देखिए कोई भी अगर घनत्व हो और जिसमें कोई भी राशि हो जिसमें आपेक्षिक लग जाएगा तो कहिएगा कि आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक और विमा नहीं होता है। अब है कोणीय संवेग, एक होता है संवेग एक होता है कोणीय संवेग, देखिए संवेग होता है एम वी लेकिन कोणीय पर कोना पर जाएगा तो त्रिज्या का इनमें चर्चा हो जाता है, कोणीय संवेग एम वी आर होता है। तो अब देखिए इसका मात्रक तो एम हो जाएगा किलोग्राम, भी हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड और आर हो जाएगा एक प्रकार का दूरी, तो ये भी मीटर हो जाएगा। जब इसको हम गुना करेंगे बच्चे तो हो जाता है किलोग्राम मीटर गुने मीटर मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, तो मतलब हो जाता है किलोग्राम मीटर प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, अर्थात जो कोणीय संवेग है इसका ऐसे ही मात्रक होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। हम उम्मीद करते होंगे कि बच्चे आप लोग को पता चला होगा। नेक्स्ट अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का कोई मात्रक और विमा नहीं होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। विकृति का भी कोई मात्रक और विमा नहीं होता है, आवर्धन का भी कोई मात्रक और विमा नहीं होता है। अब हम बात करते हैं प्लैंक नियतांक, आपको पता होना चाहिए E बराबर होता है एच में, फोटोन की जो ऊर्जा होती है E बराबर एच में होती है, तो यहाँ से एच को कहते हैं प्लैंक नियतांक, न्यू को आवृत्ति और ई को ऊर्जा कहते हैं, तो यहाँ से एच बराबर निकालेंगे तो ई बटे न्यू होगा। ई है एक प्रकार का ऊर्जा, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल और आवृत्ति, आवृत्ति किसे कहते हैं तो एक सेकंड में किए गए दोनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, तो 1/T होता है तो 1/s होगा बराबर h के h, जब पलटेगा बच्चे तो जूल सेकंड के बराबर हो जाएगा, अर्थात h का जो मान होगा वो जो h का जो मात्रक होगा वो जूल सेकंड के बराबर होगा, अर्थात प्लैंक नियतांक आपका जूल सेकंड होगा। विद्युतशीलता नियतांक अर्थात E नोट, मैंने पहले भी इसको बताया बच्चे, इसका जो मात्रक होता है कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, आप लोग को ध्यान रखना है। चुंबकशीलता नियतांक म्यू नोट अभी बताए थे न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, देखिए चुंबकशीलता नियतांक पहले भी हमने बताया, ध्यान दीजिएगा देखिए चुंबकशीलता नियतांक यहाँ पे बताया है बच्चे न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, देखिए यहाँ पे भी होगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अब है बल आघूर्ण, बल आघूर्ण होता है बल गुणे आघूर्ण भुजा, तो बल का ऐसे मात्रक न्यूटन और आघूर्ण भुजा हो जाएगा मीटर, तो न्यूटन मीटर के बराबर होगा। भार, भार का होता है बच्चे न्यूटन या डाइन भी सीरीज मात्रा में करें, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का ऐसे मात्रक आपका मीटर होता है, या आप यहाँ पे एंगस्ट्रम भी आप कह सकते हैं मीटर या एंगस्ट्रम, और याद रखना है एक एंगस्ट्रम बराबर 10^-10 मीटर के बराबर होता है। देखिए बच्चे इतना महत्वपूर्ण आपका भौतिक राशि था और उसका मात्रक था,
बार बार वीडियो को देखिए और चीजों को समझने का प्रयास कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर बच्चे वीडियो को शेयर करने का बच्चे प्रयास करेंगे, अपने दोस्तों के पास जरूर वीडियो को शेयर करेंगे और सभी बच्चों को हमारी नॉलेज को बच्चे सभी जगह बांट देंगे, हमारी नॉलेज को सभी जगह बच्चे बांट देंगे। हम उम्मीद करते होंगे कि आप जरूर ऐसा करते होंगे बच्चे। धन्यवाद।